अररिया जिले के नव पदस्थापित पुलिस कप्तान के निर्देशानुसार विभिन्न थाना अंतर्गत सैकड़ों बोतल नशीली कोडीनयुक्त कफ सिरप के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा चुनाव के बिगुल बजते ही पूरे जिले में सभी पार्टियों के विधायक के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में शिलान्यास व उद्घाटन ताबड़तोड़ किया जा रहा है। देखिए कि रोड जो बन रही है प्राकलन के अनुसार नहीं बन रही है और ये अभियंताओं और संवेदक के मिली भगत से एक रैकेट चलता है। ये बिहार वन के आप 7-8 रोड बनी हुई है, एकदम 2 नंबर बना हुआ है, सरकार का बदनाम कर रहा है। सरकार प्राकलन दे देती है, पैसा दे देती है, संवेदक और इंजीनियर मिल के इसको घपलेबाज कर देते हैं, घोटालेबाज कर देते हैं। 2 नंबर का गिट्टी, 2 नंबर का सारा, 2 नंबर का सामान लगा के और ठेकेदार जब चेक करने के लिए पहुंचे तो वो लोग नहीं आए। तो क्या कार्रवाई के लिए आप? निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, इनके डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव को, मंत्री को इसके विरुद्ध लिखूंगा। फोटोग्राफी वगैरह लोग पब्लिक पिटीशन भी दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। क्या ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? निश्चित रूप से ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। इस तरह के संवेदक को हमारी सरकार छोड़ने नहीं जा रही है, इससे सरकार की बदनामी होती है।